स्वागत है आप सब का साढ़े चैनल से एक और नई वीडियो से। अज इस वीडियो असी तुहानू लैके आ गए जलंधर के सब तो वड्डे वाटर एंड अम्यूजमेंट पार्क जिसका नाम है वंडरलैंड वाटर एंड अम्यूजमेंट पार्क। तो इतों की असी सारी राइड तुहानू दिखाने वाले आ गए। टिकट प्राइस टाइमिंग लोकेशन सारी जानकारी असी तुहाडे नाल शेयर करने वाले हैं। तो यह सब जानने लई तुसी वीडियो अंत तक जरूर देखियो। तो चैनल पर जे पहली बार तुसी आए हो तो चैनल नू सबसक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलियो जे तुसी नहीं कीता। तो यहाँ का लोकेशन क्या रहेगा? इसका लोकेशन है डिस्ट्रिक्ट जलंधर। अच्छा, जलंधर से 7 किलोमीटर पड़ता है लांबड़ा, एक गांव का नाम है ताजपुर। ताजपुर में वंडरलैंड है। और यहाँ पे लोग कैसे आ सकते हैं, बस या फिर ऑटो कहाँ से मिल पाएगा? बस स्टैंड से बस भी आती है, ऑटो भी आते हैं। अच्छा, बस स्टैंड से बस और ऑटो दोनों मिल जाएगा। उसको बोले वंडरलैंड ताजपुर। रोड पे पार्किंग का क्या हिसाब है? पार्किंग का कोई पैसा नहीं, फ्री है। पार्किंग फ्री है, पार्किंग फ्री है, ये अच्छी बात है। बच्चों का क्या रहेगा टिकट? बच्चों का 3 फुट से ऊपर है, 3 फुट से नीचे फ्री रहेगा और 3 फुट से ऊपर पूरा फुल टिकट है। फुल टिकट है, वीकडे वीकेंड का रेट सेम है। हाँ जी। अच्छा, तो वंडरलैंड पार्क सुबह 11 बजे खुल जाएगा और शाम के 7 बजे तक खुला रहेगा। और जो वाटर पार्क है, वाटर पार्क का टाइमिंग रहेगा 11 बजे से लेकर 6 बजे तक। सारी वंडरलैंड की इंस्ट्रक्शन वगैरह लिखी हुई है। इतने यह भी लिखा है कि 16 साल तो जो घट की उम्र के बच्चे है ने उन्होंने किसी वड्डे के नाल होना बहुत जरूरी है। तो अंदर बाहर का खाना लैके जाना अलाउड नहीं है। ड्राई पार्क के एरिया बेस साइड वाटर एडवेंचर के एरिया। तो इस तो अलावा गल की जाए तुहानू नायलॉन लैकरा की कॉस्ट्यूम पानी भी जरूरी हैगी है। इस पास तुसी देख सकते हो वंडरलैंड का एंट्री गेट हैगा। तो इतों तुहानू टिकट लेनी पेगी। किन्ने की टिकट हैगी वंडरलैंड की? सर 1500 टिकट है। खाना, राइड्स, वाटर पार्क सब कुछ इंक्लूड होता है। अच्छा, वाटर अम्यूजमेंट ते खाना पीना सब इंक्लूड है। ये जेडे बच्चों की टिकट है वो की? सर बच्चा 3 फीट तो नीचे फ्री है, आ हाइट है। इस तो थले थले बच्चा फ्री है, इस तो ऊपर है तो पूरी टिकट लगती है। 3 फीट तो थले दी फ्री है, 3 फीट तो ऊपर जिन्ने भी है उन्होंने 1500 ही लगेगी। हाँ जी, हाँ जी। तो दो विजिट का की मतलब? सर 31 मार्च तो पहला दोबारा आ सकते हैं तुसी, सेम पर्सन आ सकते हैं, फोटोस आ जानी है। अच्छा, अगले साल 2024 सामने वेख सकते हो। इतने सारी जानकारी वगैरह लिखी है कि पहले तो इतने अम्यूजमेंट पार्क है, सारी राइड वगैरह पहले इतों की चूज सकते हो। तो फिर अगे नू जा सकते हो वाटर पार्क के। वाटर पार्क का एरिया थोड़ा अगे जाके तुम दिख जाएगा। इस पास तुम देख सकते हो है अम्यूजमेंट पार्क। इस पास है वाटर पार्क की एंट्रेंस। नाल ही नाल तुम इतने खाना भी खा सकते हो, बफेट एरिया स्टार्टिंग दिखेगी। तो टिकट प्राइस की मतलब इंक्लूड है कॉस्ट्यूम का? अच्छा, ठीक है। बाकी कॉस्ट्यूम का ऐसा कोई सिक्योरिटी टाइप नहीं? ठीक है। भी 100 का, यह भी 100 का है। ये थोड़े बाल निकले होंगे। स्विम कैप है, तो यह है वाटर प्रूफ मोबाइल कवर। इस पास तो कॉस्ट्यूम लॉकर वगैरह लैन तो बाद इतने शावर के चेंजिंग रूम भी दिख जाएंगे, कपड़े वगैरह बदल के फिर तुम वाटर पार्क लिए रेडी हो जाओ। समान रखने लिए लॉकर तुम इस पास उपर मिल जाएगा। पर तो दोस्तों ये लॉकर वाला एरिया रहेगा। ये आप लॉकर वगैरह देख सकते हैं। यहाँ पे काफ़ी बड़ा लॉकर है, आप एक बैग आराम से इसमें रख सकते हैं। यहाँ पे डबल लॉकर होगा। इस पास से एक पूल, मल्टी स्लाइड पूल बनाया हुआ है। इतने तुम 3 टाइप की राइड देख सकते हो। सब तो पहली राइड है कि टनल मैट स्लाइड, वो उपरों तुम आओगे तो घूमते घूमते मैट तो इतने सीधा पानी। दूजा वाला थोड़ा लो लैवल का है, मैट स्लाइड है भी। तीजा वाला है रेड रंग का, बड़ा कमाल का है। ये होगा कि तुम ट्यूब 2 बंदे बह के आ सकते हैं या 1 बंदा भी बह के आ सकता है। घूमते हुए बड़ी अलग ही दुनिया दिखेगी। तो सीधा पानी तुम आओगे। तो सब तो पहले ए वाली करते हैं असं टर्बो टनल स्लाइड। हाँ, इन्हों चारों के विचकार एक लॉन्चर स्लाइड भी हैगी, उपरों वेख सकते हो। पहले उपरों बंद कर देंगे, ग्रीन वाली स्लाइड हैगी। तो सीधा इतने पानी बहुत तेज स्पीड होंगी, बड़ी जबरदस्त स्लाइड है। सब तो बेस्ट स्लाइड हैगी है वंडरलैंड पार्क की। ए आगे थले देख, मैं तो वाला स्लाइड करने जा रहा हूं।
खूब भाई स्पीड देखो भाई एकदम स्पीड में इतनी। ओ ये गए अंदर। अरे नहीं होता कुछ भाई, नहीं होता। ऐसे ही पोस्टर फॉलो करना है आपको। अरे कुछ ही नहीं है, सीरियसली कुछ भी नहीं है। नहीं 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 कुछ नहीं होता भाई, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, नहीं होता। ऐसे पोस्टर फॉलो करना है। जान वाले ने चले ओके छोड़ दो। तो हूँ असं तुम दिखा जा रहे हैं ट्यूब स्लाइड। ए पहले तुम इतने बहना पैना, फिर एक बंदा ही कर सकता एस एल चाय राइड से बह के फिर सीधा स्लाइड करते हुए गोल गोल घूमते थले जाना। मेरे को पोस्टर फॉलो करना के। अगे वाली राइड हैगी नाम है वंडर स्प्लैश। तो इतने पहले लिखे तुम भिज सकते हो, तुम भिज सकते हो कि तुम भिजोगे ही अगली राइड। तो ये पहले तुम उपर जाना पेगा तो स्लाइड करते थले आओ। चलो कर दे अगली स्लाइड। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਵਾਲੀ ਰਾਈਡ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਵੰਡਰ ਫਲੈਸ਼ ਰਾਈਡ। ਬੜੀ ਯੂਨੀਕ ਰਾਈਡ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਟਰ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਰਾਈਡ ਵੰਡਰਲੈਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ। ਅਭੀ ਯੂਨੀਕ ਰਾਈਡ ਹੈ, ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਉਠਾਉਣਾ ਪੜੇਗਾ। इस पासे तुसी तीन स्लाइडा देख सकते हो। सब तो पहले हैगी एक टनल स्लाइड, फिर हैगी फ्री फॉल स्लाइड, फिर थोड़ी घट स्पीड वाली फ्री फॉल स्लाइड हैगी है। तो बड़ी मज़ेदार इतने स्लाइडा है एक एक करके ए वाली स्लाइडा कर देंगे। असी बॉडी स्लाइड हैगी ये तुहानू कोई भी टाइप की ट्यूब या मैट की जरूरत नहीं पेगी। करने जा रहे हैं।
सीधा पानी च, और ये गए नीचे पानी में, ये गए लॉन्चर तो बाद में। तो अपने ये फ्री फॉल वाला रेड वाला स्लाइड करने जा रहा हूँ। ਅਸੀਂ ਲੰਬੀ ਵੇਅ ਜਾਂਦੀ ਪਈਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਜਲਦੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੁਲ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਵੇਵ ਪੁਲ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਵੇਵ ਪੁਲ ਹੈ, ਦੋ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਵੇਵ ਪੁਲ ਇੱਥੇ। ਅਤੇ ਵੇਵ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿੰਨੀ ਉੱਚੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਦੀਆਂ। भाई देखो सुनामी टाइप लग रहा है ना, बड़ा यूनिक वेव टाइप है। हाँ। ये सारे पीछे बैठे हुए हैं, इस टाइम तक गिरेगी ये। यहाँ का वेव काफी यूनिक है, यहाँ का वेव काफी यूनिक है। देखो अलग अलग डायरेक्शन से वेव आ रही है, ये नहीं कि सामने से आ रही है, अलग अलग डायरेक्शन से अभी वेव आ रही है। तो भी यहाँ से भी और वहाँ से भी दोनों तरफ से वेव आ रही है। तो ये है यहाँ का वेव पुल, हम देख सकते हैं काफ़ी ऊँची यहाँ की वेव है। हाइट कितनी अच्छी है। ये फैमिली पूल एरिया है यहाँ का, ये फैमिली पूल एरिया है, और ये टनल है। ये देख कैसे नीचे आएंगे, कितनी छोटी बच्ची राइड कर रही है सारे के सारे। ए देखो किन जाए थल्ले मस्त है, राइड है फैमिली स्लाइड से। देखना किन सारे थल्ले एकदम आ गए।
आ गया गिरा। यहाँ का कैंटीन एरिया और बफेट एरिया अलग है और यहाँ से आप काफ़ी कुछ खरीद के खा पी सकते हैं। अगला चूल्हा आ गया ब्रेक डांस, तो ये पहले तुम्हें बहना होगा, फिर आ जी गड्डिया जी बनी हुई ने गोल गोल घूमन गए, मज़ा काफ़ी आता है इस वेले। इतने लिखे कि 3 फुट तो उच्चे कद वाले लिए क्वेश्चन आ शुरू हो गई ब्रेक डांस का, देखना कि मैं गोल गोल घूमेगी है। काफ़ी वधिया एरिया बनाई है, देख सकते हो किदा का ट्री है। मैं तो स्टोरिया च देखा सी है ना, स्टोरिया च ऐसा ट्री मैं देखा सी, बट अज फाइनली असल च भी देख लिया। तो दोस्तों हमारी टॉय ट्रेन राइड स्टार्ट हो गई है, वाओ मज़ा आ रहा है, इसमें बैठ के तो बचपन याद आ रहा है। इस पासे तुसीं देख सकते हो बच्चों के झूले भी लगे हुए हैं, तो नाल दे नाल इत्थे तुहानूं फोटोशूट ली ए जगह दी फोटोशूट ली तुहानूं ए स्कूटर ए घोड़ा तो ट्रैक्टर वगैरह भी दिखेगा, इहदे नाल फोटो क्लिक करवा सकते हो। क्वालिटी अम्यूजमेंट पार्क है काफ़ी है ना। नाम है हमटी डमटी नाम है शायद इसका, तो स्पीड देखो इसकी कितनी तेज हुई है, पूरा ही हवा छूट है ना। है वेखो तुसी इत्थे बोटिंग भी कर सकते हो, इस पासे लिखे ना बोट डॉक वंडरलैंड फैमिली फन जोन, तो इस पासे तुसी ये बोटिंग कर सकते हो, काफ़ी ज़्यादा बोट्स है कि नहीं, ऐसी लेक से तुसी बोटिंग कर सकते हो। आप एक सेल्फी पॉइंट भी बनाया हुआ है, ये देख सकते हैं ऐसा लग रहा है पहाड़ से पानी गिर रहा है, वाह झरना लग रहा है बिल्कुल, वाटरफॉल बनाया हुआ है आर्टिफिशियल वाटरफॉल। ये देखो कितने लोग फोटो वगैरह क्लिक करवा रहे हैं अपनी, वाह तो दोस्तों यहाँ पे एक इन्फिनिटी रूम बनाया हुआ है और ये अलग ही दुनिया है, अब लेके चलते हैं आपको अलग ही दुनिया में, लेके चलते हैं अलग ही दुनिया में। ये देखो ऐसा फोटो क्लिक करवा रहे हैं अपने, ये बढ़िया, चलो 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 हम आ गए इन्फिनिटी रूम में। ऊपर भी है ओह हर तरफ, ऐसे लग रहे अर्थ में भी आया ना। ते एथो एंट्री हैगी है हॉरर हाउस की, रोलर कोस्टर है क्योंकि हॉन्टेड हाउस देख पाओगे, भूत वगैरह देख पाओगे, थोड़ा संभाल के गड्डी करने वाले की दुनिया दिखाने वाली फिर तो भाई ये कैसा भाई साहब ये क्या है, ये क्या भाई तो बहुत ज़्यादा डरावना है, ये क्या अच्छा बनाया, बड़ा डरावना बनाया भाई, भाई ये क्या है कहाँ आ गया बिल्कुल एकदम अंधेरा,
भाई हाथ लगाए भाई भाई हाथ लगाए वो भाई साहब बहुत ज्यादा तो दोस्तों वंडरलैंड वाटर पार्क और एम्यूजमेंट पार्क मेरे को तो बहुत ज़्यादा पसंद आया, यहाँ का खाना भी पसंद आया और यहाँ पे जितने भी राइड्स थे शानदार राइड्स थे, एकदम स्मूथ सारे वर्क कर रहे थे। बाकी जिसमें तुम्हें कैसा लगा यहाँ का? मुझे वाटर पार्क भी अच्छा लगा, अम्यूजमेंट पार्क भी अच्छा लगा। और एक और बात मैं आपको बतानी भूल गया कि यहाँ का वाटर पार्क बहुत ही जल्द और भी बड़ा होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा न्यू स्लाइड्स ऐड होने वाली हैं और साथ ही साथ वेव पूल भी यहाँ का बनने वाला है, एक और नया बनने वाला है। इसके अलावा बात करें तो अम्यूजमेंट पार्क की, अम्यूजमेंट पार्क में ना एक ऐसी राइड है वो पता नहीं स्प्लैश करके कोई थी, वंडर स्प्लैश करके ऐसे कुछ थी, तीन या चार लोग उसमें वो वाला राइड कर सकते हैं, लेकिन बहुत मजा आता है, थोड़ा भीग जाओगे आप लेकिन मजा बहुत आएगा। वो अच्छी राइड थी और बाकी थ्रिलिंग से लेके एक एक अच्छी से अच्छी स्लाइड इनके पास यहाँ पे है। फैमिली के लिए मैंने देखा है कम्प्लीट एक्सपीरियंस रहेगा अम्यूजमेंट और वाटर पार्क का, और खाना तो बहुत ही अच्छा है यहाँ का। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, बाय बाय।